नमस्कार, मैं भारती कपासिया, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वकील साहब इंडिया में। इस वक्त हम दिल्ली के 30,000 कोर्ट में मौजूद है। जी हाँ, यहाँ पे बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, तो तमाम वकीलों से अभी हम बात करेंगे, तमाम जानकारी अभी आपको देंगे। तो चलिए चलते हैं कोर्ट के अंदर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका वकील साहब इंडिया में। आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम आनंद चौधरी है जी। तो सर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी इलेक्शन में खड़े हैं? खुद कंटेस्ट कर रहा हूँ बिलो 10 मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए। पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं? ये फर्स्ट इलेक्शन है मेरा। सर कितने साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ रह चुका है? 2017 एनरोल हूँ और मैं अपनी कैटेगरी में ही कंटेस्ट कर रहा हूँ इस बार, जो कि बिलो 10 के लिए मेंबर एग्जीक्यूटिव। सर अगर आप जीतते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, आप पहले किस चीज़ से शुरुआत करना चाहेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए। प्राथमिकता जैसे कि मैं खुद अभी यूथ से बिलोंग करता हूँ, जो मेरी कैटेगरी है उस हिसाब से, तो मैं सबसे पहले जो है अपने यूथ की जो प्रॉब्लम्स है, काफ़ी जो नए बच्चे आते हैं उनको चाहे पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई सीनियर, अच्छा सीनियर मिलने से प्रॉब्लम है, और भी काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो अभी हम जिनको भी देख रहे हैं पिछले चुनावों से और इस बार काफ़ी फ़र्क आया है, और इस बार हम चाहेंगे कि हम अपनी फैटर्निटी के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। एक राय आपसे करना चाहूँगी, अगर यहाँ सभी मेंबर की मिलकर एक ओपन डिबेट हो तो उसके ऊपर आप सभी अपना एक एक मुद्दा रखें कि भाई ये मुद्दा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं बिल्कुल, ये रखना भी चाहिए। देखिए, अगर हम लोग अपनी फैटर्निटी में, हम चुनाव अपने कोई फ़ायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लड़ते हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपनी एडवोकेट सोसाइटी के लिए, हमारी जो फैटर्निटी जहाँ पर स्टैंड करती है, तो इन चीज़ों को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इन चीज़ों के लिए ये होना चाहिए। सर अगर आप जीतते हैं तो आप एक महिला, यहाँ पे काफ़ी समस्या आपने बता रही कि काफ़ी महिलाओं को वॉशरूम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम वॉशरूम की देखिए समस्या ऐसी है, वॉशरूम की समस्या नहीं है, समस्या सफाई की है। सफाई होना जो है रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आधी बार ये देखा गया है कि बीच में काफ़ी बार वो मिस हो जाता है, क्योंकि जो उसमें सफाई कर्मचारी काम करते हैं वो बाहर एम्प्लॉइज़ हैं हमारे यहाँ के, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जो एसोसिएशन है उसको देखना चाहिए। सर एक चीज़ और, यहाँ पे लोग शाम के टाइम यहाँ पे माहौल ख़राब बता रहे कि लेडीज़ एक टाइम तक यहाँ पे रुक सकती है, मतलब माहौल यहाँ पे ख़राब हो जाता है, उस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैम एक्चुअली माहौल नहीं ख़राब हो जाता है, काफ़ी वकील देखिए ऐसा होता है कि नॉन एडवोकेट्स भी शाम को, लिटिगेंट्स भी आए होते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी ने ड्रिंक की हुई है, तो लेडी फैक्टर जो है ना वहाँ पर जाने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है, मतलब इन कंपेरिजन ऑफ मेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।